अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अब बड़ी खबर, खबर जुड़ी यूसीसी से। जानकारी ये सामने आ रही है कि बीती रात दिल्ली में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ी मीटिंग हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर अहम बैठक। बीती रात अमित शाह और उत्तराखंड के सीएम की मुलाकात हुई। शाह से उत्तराखंड यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई ने भी मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद जो बातें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक उत्तराखंड का यूसीसी बन सकता है देश के यूसीसी का टेम्पलेट। जस्टिस रंजना देसाई ने गृह मंत्री अमित शाह को यूसीसी ड्राफ्ट की जानकारी दी। उत्तराखंड की तरह देश के यूसीसी में भी शादी, तलाक, उत्तराधिकार, जनसंख्या और अडॉप्शन के नियम भी देश के यूसीसी में शामिल किए जा सकते हैं। हम सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से, जो गृह मंत्री को जानकारी दी गई है उत्तराखंड के यूसीसी के ड्राफ्ट के बारे में, उन्हें पसंद आई और कितनी उम्मीद की जा रही है कि यही उत्तराखंड वाला जो यूसीसी वाला मॉडल है वही देश भर में लागू हो सकता है। रोमाना, ये जो मीटिंग हुई है कल रात में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड की जो यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी है वो अपना ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है और ड्राफ्ट तैयार करने के बाद जो एचएम से मुलाकात हुई उसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी थे, जस्टिस रंजना देसाई थी जो उत्तराखंड की ड्राफ्टिंग कमेटी की चेयरपर्सन है। पूरा ड्राफ्ट का मसौदा सामने रखा है और उसकी जो एप्लीकेबिलिटी पूरे देश में है पर्सनल लॉस के मामले में, उसके बारे में भी हमारी जानकारी है कि होम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी गई है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप टाइमिंग देखिए, इसी समय लॉ कमीशन ने भी 13 जुलाई तक की लास्ट डेट है जो लॉ कमीशन ने सुझाव मांगे हैं, उसके बाद लॉ कमीशन अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा देगा। तो उत्तराखंड की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार है यही उसका मानक बनने जा रही है। हमारी जानकारी कहती है यही देश के यूसीसी का टेम्पलेट बनने जा रही है। और कल जो रात में अहम मीटिंग हुई है गृहमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन के बीच में, वो मीटिंग इसी सिलसिले में एक बहुत ही आप कह सकती हैं एक अहम डेवलपमेंट, एक अहम पायदान के तौर पर देखी जा सकती है। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम अपडेट के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण ये मीटिंग रह सकती है देश में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट तेज है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने, ऐसे में उत्तराखंड के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है अब वही कमोबेश उसी रूप में देश भर के लिए भी आगे उस पर विचार किया जा सकता है। सबके बीच उत्तराखंड में पुष्कर धामी सरकार यूसीसी को लेकर बड़ा कदम बढ़ाने की तैयारी में है और ऐसे में राज्य के आम लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, धर्मनगरी हरिद्वार में आम लोगों की यूसीसी को लेकर राय क्या है, एबीपी न्यूज संवाददाता श्रीनिवास इस वक्त हरिद्वार में ही मौजूद है। श्रीनिवास, आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं उनके मन में क्या चल रहा है यूसीसी को लेकर? रोमाना, इस वक्त मैं हरिद्वार की हरि की पैरी में मौजूद हूं और ये आज बहुत ही शुभ दिन है, सावन का पहला दिन है। हिंदुस्तान के कोने कोने से तमाम लोग यहां पे महादेव को जलाभिषेक के लिए जल लेने आए हैं। लेकिन मैं आपको इनसे बात कराने के पहले एक मिनट एक छोटा सा वक्त चाहूँगा। यूसीसी की बात हो रही है तो आखिर यूसीसी है क्या? अगर हम बात करें क्रिमिनल लॉ ऑफ जस्टिस की, कॉरपोरेट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, तो इन चीज़ों के लिए ये लॉ पूरे देश में यूनिफाइड है। लेकिन यूसीसीपी जो बात होती है, पर्सनल मैरिज एक्ट की होती है, एडॉप्शन की बात होती है, सक्सेशन की बात होती है, यही मिला के कुल 4-5 चीज़ें रह जाती हैं। अगर उत्तराखंड में यूसीसी की बात होगी तो उन्हीं 4-5 चीज़ों की बात होगी, पूरे हिंदुस्तान में बात होगी तो इन्हीं चीज़ों की बात होगी। खैर, इस बीच मैं आपको यहाँ के लोगों से बात कराता हूँ। घाट के ऊपर पंडा पुजारी बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। आपने यूसीसी के बारे में सुना है? सुना है। क्या है? पता नहीं। तो देखिए रोमाना, यहाँ पे सुना है इन्होंने, पता नहीं। आपने सुना है यूसीसी के बारे में? नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं। कहाँ से आए हैं? गुजरात से, राजकोट जिला। राजकोट गुजरात से आए रोमाना? ये गुजरात से आए। आपको मालूम है समान? नहीं मालूम। यूनिफाइड सिविल कोड तो रोमाना कुछ इसी तरह के हालात है। मैं रैंडमली किसी के पास जा रहा हूँ, ये कुछ युवा लोग हैं। भैया कहाँ से आए हो? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद जी। आपने यूनिफाइड सिविल कोड के बारे में सुने है? नहीं सर मैंने। जी हाँ जी बोलिए। यूनिफाइड सिविल कोड के बारे में सुने? सुना सुना है। क्या सुना है? मतलब कानून लग रहा बहुत बढ़िया है। क्या है कानून? कानून तो वही सब एक ही कानून, एक ही राज, एक ही मतलब कानून एक ही है सबके लिए, एक कानून। तो वो तो है ही हिंदुस्तान। नहीं हिंदुस्तान नहीं था पहले। किस तरह की कानून? कानून जो लगा है सरकार वो बराबर लगा रही है। कहाँ से आ रहे हैं आप? गुजरात से। चलिए, ये गुजरात से आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कानून, ये रावी से हैं, रावी जिले गुजरात से, कह रहे हैं कि जो कानून आ रहा है अच्छा आ रहा है। मैं बिल्कुल रैंडमली, मैं आई एम नॉट डूइंग पिक एंड चूक, बिल्कुल रैंडमली किसी के पास जा रहा हूँ। यहाँ पे एक युवा दिख रहे हैं, भैया कहाँ से आए हो आप?
हम हरियाणा यमुनानगर। क्या उम्र है मेरी? 18। अच्छा, वोट देने लायक हो गए। यूसीसी के बारे में सुना है? नहीं अभी नहीं सुना। अभी नहीं सुना। आप इनकी मम्मी हैं? हाँ जी। नहीं मैंने नहीं सुना। तो रोमाना अभी मैं हरी बिल्कुल श्रीनिवास, ये हरिद्वार में जैसा कि आपने कहा कि आप किसी को पिक एंड चूज नहीं कर रहे हैं, आप रैंडमली वहां पर जो आपके इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं, मतलब जो भी सामने आ रहा है आप उससे सवाल कर रहे हैं। और यहां पर कमोबेश तस्वीर ये है कि ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि उन्होंने इसके बारे में सुना ही नहीं है, और शायद यही वजह है कि इसको लेकर भ्रम फैलाना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए जरूरत इस बात की कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, समान नागरिक संहिता को लेकर पहले एक जागरूकता लाई जाए समाज में, ताकि कोई गलत तरीके से भ्रम फैलाकर इस मामले पर समाज को बांटने का कोई काम ना करे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।